दोस्तों बेबाक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया और इस बेल आइकन को दबाकर खबरें पाएं सबसे पहले। 20 साल की सजा पाने वाले गुरमीत राम रहीम पर अब उनके दामाद ने एक बड़ा खुलासा किया है। दामाद विश्वास गुप्ता ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। विश्वास की माने तो गुरमीत राम रहीम अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत से अवैध संबंध रखता है। एक अखबार से बातचीत में विश्वास ने बताया कि बाबा जी के प्राइवेट गुफा में वो रहा करते थे, मेरी वाइफ उनके साथ थी, वो दोनों बिस्तर में आपत्तिजनक हालत में थे, बाबा ने मुझे मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का श्रीनाम प्रियंका तनेजा है। सूत्रों के मुताबिक विश्वास और हनीप्रीत की शादी 1999 में वैलेंटाइन डे के दिन फतेहाबाद में हुई थी। इस मौके पर राम रहीम ने अपनी प्राइवेट गुफा में पार्टी दी थी। इसी के साथ उसने घोषणा की थी कि हनीप्रीत उसकी मुंह बोली बेटी और विश्वास गुप्ता उसका मुंह बोला दामाद है। राम रहीम से नजदीकियां बढ़ने के बाद 2009 में हनीप्रीत ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का केस दायर किया था। विश्वास गुप्ता खुद डेरे का फॉलोवर रहा था। गुप्ता की माने तो राम रहीम ने गलत मंशा से हनीप्रीत को गोद लिया था। विश्वास के मुताबिक हनीप्रीत सुंदर है और राम रहीम उसका शारीरिक शोषण करता है। उन्होंने आगे कहा कि वो और हनीप्रीत हर वक्त बाबा के साथ रहते थे, लेकिन बाबा उसे हनीप्रीत के साथ सोने नहीं देता था। ऐसे में अब हनीप्रीत के पति ने बाबा के बारे में कर दिया है एक बड़ा खुलासा, यानी ये बाबा नहीं, ये तो महाकांडी था। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस खबर को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही हेडलाइंस इंडिया को पल पल की अपडेट के लिए बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कीजिए।